भाई एडिट करके मेरा मीम बना दिया, मैंने 2024 में अपना नाम बना दिया। हाँ भाई, वही रियान पराग जिस तरीके से मुंबई इंडियंस को कल रनों की बारिश की है, मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी या गेंदबाजों को जिस तरीके से आग बरसाया उनके ऊपर कहने वाली कोई बात ही नहीं है। वही रियान पराग मतलब कि राजस्थान रॉयल्स में जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लगातार 3 मैच में इतने ताबक तोड़ परफॉर्मेंस करना कोई खिलाड़ी को मतलब इतना तारीफ करना, इसु पठान से लेकर कमेंट्री बॉक्स में से लेकर मतलब जितने भी दर्शक वहाँ चाहने वाले उनके हैं उनका दिल जितना काफ़ी ज़्यादा मतलब फैंस के बीच मतलब प्यार और जितना भी मतलब दर्शक देखने आए थे जितनी भी बड़ाई उनकी करें उतनी कम है रियान पराग की। आपको बता दें कि 2023 में रियान पराग ने पूरे जो कि 7 मैचों में 78 रन और 118 के स्ट्राइक रेट से जिस तरीके से मतलब पूरे 2023 में पूरे आईपीएल में जितने रन नहीं बनाए थे उतने उन्होंने 3 मैच में मतलब 2023-24 के 3 मैच में उतने ज़्यादा रन बना दिए हैं, क्योंकि 2024 में उन्होंने अभी तक 3 ही मैच खेला है जो कि 181 रन और 100 स्ट्राइक रेट की बात करें तो उनका 160 स्ट्राइक रेट है। और 2024 में उनका जो कि कल का जो मैच था मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच जो मैच था उनका 39 गेंद पर 54 रन बनाना और लोगों के बीच इतना ज़्यादा प्यार और इतना ज़्यादा उनको प्यार मिल रहा था कमेंटेटरी बॉक्स से लेकर दर्शक के बीच और जितने भी उनके ना चाहने वाले भी थे वो भी रियान पराग की मतलब कि नारेबाजी इतने तेजी से मतलब मैदान पे लगा रहते कहने वाली कोई बात ही नहीं है। और आपको बता दें जब पंजाब के बीच उनका पहला मैच खेला गया था, राजस्थान और पंजाब के बीच जिस तरीके से उनका पहला मैच खेला गया था वहाँ पर रियान पराग ने जो कि 45 गेंद पर 83 रन बनाए थे वहाँ भी अपने टीम के लिए काफ़ी ज़्यादा रन बना दिए थे। अगर तीसरे मैच की बात करते LSG के खिलाफ जब रियान पराग ने 29 गेंद पर 43 रन बनाए थे वहाँ पर भी मतलब कि लोगों को इतना ज़्यादा मतलब कि अपने तरफ आकर्षित करना मतलब कि इतने ज़्यादा मतलब उनके फैंस फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और जो कि विराट कोहली के दावेदारी बन गए हैं 2024 में, क्योंकि पॉइंट टेबल की बात करें तो नंबर 1 है। अगर रन रेट की बात करें तो विराट कोहली का 181 रन है तो रियान पराग का भी 181 रन है। और ऑरेंज कैप की बात करें तो विराट कोहली नंबर 1 पर हैं तो रियान पराग नंबर 2 पर है। ऑरेंज कैप में भी भागीदारी जो कि इनका नंबर 2 पर आ गया है। आपको बता दें कि 2024 में इनके टोटल रन जितने अभी तक बने हैं जो कि 647 रन और 107 से इनका स्ट्राइक रेट रहा था और जो कि जिस तरीके से कल मुंबई इंडियंस मतलब कि मुंबई इंडियंस के खिलाफ जिस तरीके से इन्होंने रियान पराग ने रन बनाई है भाई कहने वाली कोई इनकी बात ही नहीं है, क्योंकि एक समय ऐसा लगा कि मुंबई इंडियंस राजस्थान रॉयल्स को हरा देगी, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट जो कि जिस तरीके से आउट हो जा रहे हैं उनका कोई खास प्रदर्शन मैच के अंदर मतलब कि दिख नहीं रहा है, क्योंकि गेंदबाजी तो दिख रही है पर बैटिंग जिस तरीके से वो खेलते हैं ऑलराउंडर खिलाड़ियों में उनका नाम है उस तरीके से ऑलराउंडर वाली मतलब कि छवियाँ दिख नहीं रहे मैच के अंदर में। संजू सैमसन भी मतलब कि आउट हो गए तो पूरा मतलब कि रियान पराग के ऊपर पूरा कमांड आ गया, क्योंकि रियान पराग को यहाँ से मैच जिताना ही है, क्योंकि जिस तरीके से लास्ट ओवर में रियान पराग ने छक्के चौके की बारिश करी हैं तो मुंबई इंडियंस को मतलब कि उनको वहीं भी लग गया था कि यहाँ से अगर रियान पराग को आउट कर लिया तो मुंबई इंडियंस के हाथ में मैच हो जाएगा। पर रियान पराग को आउट करना इतनी मतलब कि छोटी बात थोड़ी ना है, अगर रियान पराग आउट हो गए होते हैं तो मुंबई इंडियंस जो कि यहाँ से मैच जीतना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता, पर यहाँ पर तो उल्टा हो गया दोस्तों, क्योंकि रियान पराग लगातार 3 मैचों में जितने अच्छे परफॉर्मेंस दिखाई है उतना अच्छा परफॉर्मेंस राजस्थान रॉयल्स में कोई भी खिलाड़ी अभी तक नहीं दिखाया, वो चाहे जायसवाल हो या मतलब कि कोई भी खिलाड़ी हो, संजू सैमसन हो या बटलर हो या गेंदबाजी की बात करें तो रविचंद्र अश्विन हो, मतलब कोई भी खिलाड़ी हो अभी तक जो कि रियान पराग की मतलब परफॉर्मेंस मतलब जिस तरीके से राजस्थान रॉयल्स के अंदर दिखाई है अभी तक वो भी खिलाड़ी मतलब कि उनके टक्कर में राजस्थान रॉयल्स में कोई खिलाड़ी नहीं है। तो हमने सोचा कि जिस तरीके से मुंबई इंडियंस को रियान पराग ने कल मतलब उनकी छक्के छुड़ाई है तो हमने सोचा कि आप तक वीडियो साझा करें, तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और रियान पराग की ये परफॉर्मेंस देखकर आपको कैसी लगी तो एक अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, जय श्री राम।